तो मैं आज मेरे पास है ये इग्नाइट का हेलमेट। प्राइसिंग की बात मैं लास्ट में करूंगा, तो प्लीज वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ये जो इग्नाइट का हेलमेट है, इससे आगे मैंने सोचा था कि मैं एक्सोर का हेलमेट ले लूं, पर मेरा अपना बजट था नहीं लेने को। मेरे पास एक और हेलमेट है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस हेलमेट का अनबॉक्सिंग में जस्ट कुछ थोड़ी देर की बात करता हूँ। पहले मैं अपना पहले वाला हेलमेट आपको दिखा दूं। ये वो हेलमेट है, ये है स्टूडेंट्स का हेलमेट। और ये हेलमेट आप विश्वास नहीं करोगे, ये हेलमेट 2012-2011 का मॉडल है। इसकी स्कूल लाइफ थी मेरी, भाई और पापा ने मुझे एक बाइक गिफ्ट की थी, होंडा सिवियर। तो उस टाइम भाई ने ये हेलमेट गिफ्ट किया था बाइक के साथ में। और उस टाइम आपको पता होगा कि बाइक के साथ हेलमेट कंपनी देती नहीं थी, और आज के डेट में कंपनी अगर हेलमेट देती भी है तो इस टाइप से हेलमेट कंपनी जो भी है, कोई भी कंपनी हो, इस टाइप का जो हेलमेट कंपनी प्रोवाइड नहीं करती गिफ्ट के तौर पर। ये स्टूडेंट्स का ग्लाइडर हेलमेट है। उन्होंने बताया था ये हेलमेट उनको लगभग 2500 रुपए के आसपास, 2500-2600 के समथिंग आसपास पड़ा है। आज के डेट में भी ये हेलमेट काफी अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिर मैं आपको इसका डेमो दिखाने चाहता हूँ छोटा सा। मैं इसे पटकने वाला नहीं जमीन पे, पर ये देखिए इसका, ये थोड़ा स्पंजी है ना, और ये एल साइज का है। इग्नाइट का ये जो हेलमेट है ये एम साइज का है और ये वाला एल साइज का। तो ये देखिए काफी बड़ा साइज का है, मैं इसे पहन के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये है ना, ये हेलमेट थोड़ा सा भारी भी है यार, बहुत भारी है मेरे लिए। तो एल साइज का भी हेलमेट है और ऑफ रोडिंग हेलमेट है ये। ज्यादातर मुझे ऑफ रोड पे जाना रहता है खराब खराब रास्तों पे। यहाँ पीछे में रहता है मेरा लगेज और बैग भी, और इतना भारी हेलमेट, ये सच में हेलमेट बहुत भारी है। पहले जमाने की बात ही कुछ अलग थी। अब ये इसे मैं साइड पर रख दूं। तो भाइयों चलो करते हैं इसे अनबॉक्स। और इसका प्राइस काफी सही चल रहा है। अगर एक वीक पहले इसकी बात करूं प्राइसिंग की, तो ये चल रहा था 3900 रुपए, 3800 रुपए। और मैंने जब फ्लिपकार्ट पे सुपर कॉइन इस्तेमाल किया तो 3400 रुपए के आसपास लगभग ये पड़ गया है। मैं स्क्रीनशॉट साइड में डाल रहा हूँ परचेस का, तो आप उसे देख लीजिएगा। इग्नाइट के स्टिकर के साथ। ओ भाई ये क्या है यार, कंपनी क्या क्या दिया है, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ अच्छे से। तो इसके अंदर में है ये दूसरा स्टिकर है इग्नाइट का लोगो, और ये कीरिंग। चलो इंजन जो है BMW 1000RR का है और रेड और व्हाइट कलर। इस हेलमेट पे पूरी BMW की पूरी लोगो बनी पड़ी है 1000RR की, पर यहाँ कहीं पे भी लिखा नहीं है कि ये BMW है। और ये क्या, यहाँ से पेट्रोल डलता है क्या? यहाँ पे एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ से हवा आ जा सके। वाओ, यहाँ पे अंदर पे ब्लैक वाइजर है और ऊपर में व्हाइट कलर की, और ये हेलमेट लॉक के लिए, ये लॉक हो गया कुछ इस तरह, ये लॉक हो गया, इसे पीछे हटाओ, ये ऊपर हो गया। ओ भाई, बाकी कंपनियां ये साइड में प्रोवाइड करती हैं, यहाँ पे देती हैं और यहाँ पे देती हैं। ये ब्लैक जो वाइजर है ये ताकि वो अप डाउन कर सके, है ना। इस इग्नाइट में वो फैसिलिटी नहीं, सिस्टम नहीं है। जो भी है लोग मुझे ना अपने फेस अपने हाथों से फिंगर से कुछ इस तरह करके करता हूँ इस तरह, तो ये मुझे थोड़ा काफी सही नहीं लगा, बाकी काम चल जाएगा। और अंदर अंदर की बात करें तो भाई
गजब है, क्वेश्चनिंग ठीक ठाक है, एक्सोर के मुकाबले तो ये कुछ नहीं है, एक्सोर की बात ही अलग है भाई। पैसा के ऊपर डिपेंड करता है, जितना पैसा आप ज्यादा दोगे उतनी अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी और उतना भारी वजन भी मिलेगा। तो मुझे भारी वजन चाहिए नहीं, मुझे इस वाले हेलमेट से, ये बहुत भारी है भाई, ये हेलमेट काफी भारी है सच में। मेरे ख्याल से इस हेलमेट से ये 200 ग्राम तो ये ग्लाइडर का हेलमेट भारी होगा ही होगा। और फिर करते हैं, क्या ये कंफर्टेबल है या नहीं है, क्योंकि मैं इससे पहले एयर साइज का ये हेलमेट पहनते हुए आ रहा हूँ। मुझे इसे यहीं से ही अप डाउन करना होगा हाथों से, क्योंकि साइड में कोई कंट्रोल दिया नहीं है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, तो मेरे फिंगर से ही मुझे इसे अप डाउन करना होगा। बाकी ये हेलमेट आपको कैसा लगा और आप खुद कैसे पता कर सकते हैं कि आपके सर में एम साइज का हेलमेट या एल साइज का हेलमेट या एक्सएल साइज का हेलमेट कैसे फिट आने वाला है, वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी आप स्टोर पे जाएं, जो आप लेना चाहते हैं उसे पहने, पहनने के बाद एक बात और है, आप जब हेलमेट खरीदे तो प्लीज उसे 15-20 मिनट पहन के देखे, जिस तरह मैं पहन के देखता हूँ। इससे आपको ये पता चलता है कि ये हेलमेट आपके लिए है या नहीं है। जब आप पहनेंगे तो आपको पता भी हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद। परफेक्ट साइज ढूंढने का यही तरीका है, आप पहले पहन लेना है। हेलमेट पहनने के बाद आपको सिर्फ वही हेलमेट लेना है जो आपके आईब्रो से ऊपर में एक उंगली या 1 इंच, हाँ इतने का गैपिंग आना चाहिए। ये होता है परफेक्ट हेलमेट आपके हेड के लिए, आपके सर के लिए। वीडियो कैसा लगा आपको भाइयों? वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। और हम बहुत जल्द मिलते हैं अपने एक और अनबॉक्स वीडियो पे, जो कि है एक्सोर के जैकेट के ऊपर, वो आने वाला है। और ये जो मैंने अभी